बांका जिले भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर सोमवार को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों से लेकर घरों तक विशेष आयोजन किए गए। इस बार जन्माष्टमी तिथि सोमवार को पूरे दिन रही। सोमवार सुबह 6:30 बजे से मंगलवार सुबह 9:44 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना शुभ माना जा रहा है। साथ ही सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के होने से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। बाजारों में भी सुबह से त्योहारी चहल पहल नजर आई। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल रहा। बाजारों में खरीदारी की, ग्राहकों को लुभाने वाले कई तरह के लड्डू गोपाल व झूले सजे रहे। श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में माखन खाते मटकी पर बैठे चित्रों की बाजार में खूब बिक्री हुई। घरों में भी चहल पहल रही। कृष्ण भक्तों ने सुबह स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर ध्यान किया। दिन भर व्रत रखकर रात 12 बजे के बाद चंद्र दर्शन होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए व्रत का समापन किया जाएगा। इस दौरान मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। शाम के वक्त भजन कीर्तन का गायन भी किया गया। बिहार के बांका जिले में शराब तस्करी के खिलाफ को लेकर सबसे बड़ी रेड। बांका उत्पाद विभाग ने करीब 65 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ली है। शराब की यह बड़ी खेप झारखंड के गिरिडीह से उत्तर बिहार के कटिहार रोड ले जाई जा रही थी। ट्रक पर महंगे ब्रांड के 620 कार्टून विदेशी शराब सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा कर ला रहे थे, जिसे जब्त कर ली गई। कार्रवाई में ट्रक चालक सहित 2 तस्कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य सरगना की तलाशी की जा रही है। उत्पाद विभाग की बांका टीम ने भागलपुर हसडिया मुख्य मार्ग पर बौसी थाना क्षेत्र में गुरुधाम मोड़ के समीप हसडिया की ओर से आ रहे एक ट्रक की तलाशी ली तो टीम में शामिल अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। शराब तस्करों ने नए अंदाज में सीमेंट के बोरियों के नीचे छिपाकर ये बड़ी खेप को मंजिल तक पहुँचाने में जुटी थी, जिसे उत्पाद विभाग बांका ने फैल कर दिया। पूरे बांका जिला में आज तक सर आप कौन कौन सा पद से चुनाव भी लड़े होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। पहले हम तो प्रेक्ष अध्यक्ष रहे, इसके बाद 2004 में MLC का चुनाव हुआ, वो भी हम लड़े थे। इसके बाद फिर MP से लड़े समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव पार्टी के। कौन सा साल में? 2004 में। ठीक है। 2005 में MLA का लड़े समाजवादी पार्टी से, बांका विधानसभा। इसके बाद 2006 में हम जिला परिषद बने रजौन मध्य से, समाज सेवा करते लोग का, मतलब कोई मेरे यहाँ आ जाएगा रात रे के दिन, उसमें 2400 घंटा सेवा करते हैं लोग का। यानी कि रात हो गया तब हम लोग नहीं उसके यहाँ जा सक रहे हैं, वो विपत्ति पड़ा हुआ जा ही नहीं सकेगा, तो कौन समाज सेवी हुआ है। 8 क्लास का स्कूल है वो, और उसमें टीचर 2 गो हो रहेगा, तो पत्रकार महोदय पढ़ाई कितना होगा वो आप खुद समझ लीजिए। रहता था हम भी कराए उसमें, वहाँ सूस बांटे, उसका दवाई ववाई जो छिटने वाला हक में लगाने वाला था उसका भी सैनिटाइज सब भी करवाए थे हम लोग, पूरा पंचायत में यहाँ पर पूरा सैनिटाइज हुआ था हम लोग का। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बौसी प्रखंड गेट के सामने बांका SP के निर्देशानुसार चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिससे वाहन चालकों में मचा हड़कंप। चेकिंग कर रहे पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग बांका SP के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग कर रहे हैं। हेलमेट एवं अन्य कागजात न होने पर वाहन चालकों से उचित चालान काटकर उसे सुरक्षित चलने की सलाह भी दे रहे हैं। बांका खनन पदाधिकारी ने बालू माफियाओं पर कसी नकेल। बांका के माइनिंग पदाधिकारी संजय प्रसाद के द्वारा अवैध रूप से बालू बेचने व खरीदने वाले, पासिंग कराने वाले को लेकर लगातार की जा रही है छापेमारी, जिससे बालू माफियाओं में मची हड़कंप। आज बांका जिले के कई जगहों पर गिराए गए बालू का चालान मांगा गया। चालान नहीं दिखाने के कारण प्रशासन द्वारा बालू को पुनः जब्त कर लिया गया। संजय प्रसाद ने बताया कि अवैध तरीके से बालू उठाव को रोकने एवं पासिंग को रोकने के लिए जिला अधिकारी स्वर्ष भगत के आदेश पर जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। बालू माफियाओं को सख्त हिदायत दे रहे हैं सुधर जाने की, नहीं तो कड़ी कार्रवाई कर जेल की हवा खिला देंगे। यहाँ गांधी चौक में CCTV का फुटेज देख करके जिला प्रशासन को ये पता चला कि यहाँ पर बालू अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा ढोया जा रहा है, और यहाँ पे रोड किनारे वो ट्रैक्टर बालू गिरा करके डेली यहाँ पर रात में गिराता चला जाता है। तो इसी क्रम में यहाँ पे रोड किनारे बालू यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर चलान है या नहीं, किसी ने चलान नहीं दिखाया, इसलिए इस बालू को जब्त किया जा रहा है। आगे भी बालू है, 100 मीटर के आगे भी बालू है, उसको भी जब्त किया जाएगा। इस तरह से 2 से 3 हाईवा बालू जब्त किया जाएगा। बालू माफिया पर तो प्रतिदिन कार्रवाई की ही जा रही है, प्रतिदिन कल भी चानन थाना में
अवैध सफेद गिट्टी को जब्त किया गया जो कि अवैध रूप से वहां से पहाड़ से तोड़ करके उसको प्रतिदिन ले जाया जाता था, गुप्त सूचना के आधार पर उसको भी कल जब्त किया गया। इस तरह से प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है और जो पासर वगैरह है उनका भी उन पर भी FIR किया जा रहा है, इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। डकैती कांड में दर्ज प्राथमिकी का फरार अभियुक्त के घर में पुलिस ने किया कुर्की। बांका जिला के कटोरिया थाना में दर्ज डकैती कांड के फरार अभियुक्त के घर में कटोरिया थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रंजीत कुमार रंजीत ने अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार के सहयोग से कुर्की जब्ती किया। मौके पर कटोरिया थाना के अवर निरीक्षक रंजीत कुमार रंजीत ने बताया कि सन 2015 में अमरपुर थाना क्षेत्र के पुरंचक गांव निवासी विनोद यादव का पुत्र श्रावण कुमार के खिलाफ कटोरिया थाने में डकैती का मामला को लेकर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। मामले में युवक फरार चल रहा था। न्यायालय से कुर्की वारंट निर्गत होते ही अमरपुर पुलिस के सहयोग से आरोपित के घर कुर्की किया गया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बलों को देखते ही ग्रामीणों की भीड़ आरोपित युवक के घर के समीप एकत्रित हो गई। आरोपित युवक की पत्नी बार बार पुलिस कर्मियों के पैरों पर गिरकर कुर्की कार्रवाई को रोकने की गुहार लगाती रही। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के चपरी सुड़ियारी ग्रामीण पथ के समीप बलवा गांव के पास अवैध खनन से हुई गड्ढे में स्नान करने के दौरान डूबकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बैजुड़ी पंचायत के चक मुरली टोला निवासी भविष्यानंद ठाकुर का 23 वर्षीय पुत्र कृष्ण ठाकुर के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बलवा गांव के समीप रोड किनारे खेत से काफ़ी मात्रा में बालू निकालने के कारण खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बन गया और गड्ढा पोखर में तब्दील हो गई। सोमवार की दोपहर कुछ बच्चे और एक युवक उसी पोखर में स्नान कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद कुछ बच्चे शोर मचाते हुए बलवा गाँव की ओर दौड़ पड़े और बताया कि एक युवक स्नान करने के दौरान गड्ढा में डूब गया है। सूचना मिलते ही ग्रामीण दौड़कर पोखर के समीप पहुंचा और पोखर से युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई थी।